व्यापारी सोचे 100 रुपया पूरी ले 200 रुपया बेचन जाए। एक ही मैं किसानों नहीं आवा व्यापारी क्या करे, मंडी बिकते बिके भाई समझे तू ना करना चाहते हैं इसलिए लेते नहीं है व्यापारी। व्यापारी लोग कह रहे कि मंडी में डिमांड नहीं है। हाँ डिमांड नहीं है और यहाँ से ले जाए बेच लावत 5000 रुपए की फेंकना पड़े। रकबा बताइए, रकबा अपने बड़ा है वही है ऐसे 1-2% कम है। पिज्जा कितने वर्ष हो गए कोल्ड में मैनेजरी करते हुए? 35 साल हो गए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाज के नजर, मैं हूँ आपके साथ राजीव। इस समय है जीआर कोल्ड स्टोरेज में खजूरी कड़ा, बिल्लौर क्षेत्र के अंतर्गत ही कोल्ड स्टोरेज आता है। हमारे साथ मैनेजर साहब भी हैं, व्यापारी महोदय भी है, कई किसान भाई भी है, तो सभी लोगों से चर्चा होगी आलू की निकासी क्या है और इस क्षेत्र में आलू की बुवाई पिछली साल जैसी है इस बार या कम है, उस पर भी बात होगी। कच्ची का क्या माहौल इस क्षेत्र में चलता है और क्या अनुमान लग रहा है कोल्ड कब तक खाली हो जाएंगे, तो मैनेजर साहब से शुरुआत करते हैं। मैनेजर साहब सबसे पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम है? इंद्र कुमार तिवारी। तिवारी जी, अगर बात की जाए अपने कोल्ड की, तो कोल्ड की कैपेसिटी क्या है इस समय? मैं 15% आलू अभी अंदर। और अगर बात की जाए फुल कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी क्या है? 2 लाख पैकेट के आसपास। तो जो आलू 15% बचा है इसका क्या अनुमान लग रहा है, कब तक निकल जाएगा और क्या पोजीशन बन सकती है? ये सर अभी जो है इसमें नवंबर पूरा और दिसंबर जा सकता है 15 दिसंबर तक। अभी तो फिलहाल में मशीनें वगैरह चल रही होंगी? मशीनें बराबर चलाएंगे जब तक आलू रहेगा, दिसंबर अक्टूबर से कोई मतलब नहीं। मतलब कुल में आगे किसानों का जो माल रखा है उस पर किल्ला नहीं आने देंगे? किल्ले नहीं आने देंगे, भले वो फेंकना पड़े। अच्छा गड़ाई वगैरह अगर बात करें तो बीज वाला आलू अगर कोल्ड की अपने कोल्ड में, तो बीज वाला आलू कुछ बचा है या सब चला गया टोटल? नहीं बीज वो अभी बचा है पास, कम से कम 6-7 हजार पैकेट बीज का पड़ा। तो वो अपने लोकल में गड़ाई में जाएगा या कहीं बाहर मंडियों में? कहीं जाएगा नहीं अभी। अच्छा वो सब फेंक फेंक स्थिति पर उसको मतलब भाई हाँ मंडी की पोजिशन है खराब, आलू सस्ता बाहर मिल रहा है तो 55 रुपया किराया दे के क्यों आलू निकालेगा आदमी? कुल मिला के 5000 बोरी है उसका, अगर कोई भाव इस समय तो पूछ रहे हैं 5000 का 80 हजार पैकेट फेंकना पड़े। छट्टा भी जो ऐसे रखे हैं चेचक वगैरह है, कोई कंडीशन है जो उसका भाड़ा भी आएगा, व्यापारी लेगा नहीं। पिछली बार जैसे अगर बात की जाए तो गड़ाई का किसान इस क्षेत्र में कर चुका है, अभी गड़ाई में थोड़ा टाइम है? नहीं 10-12 दिन भले करें, नवम्बर 15-20 नवम्बर तक गड़ाई की पोजिशन समाप्त हो चुकी है। तो पिछली बार जैसे ही गड़ाया कि थोड़ा बहुत कम ऊपर नीचे 4-5% भले कम हो पिछली बार से कम नहीं है। पिछली बार से कम कुल मिला के पिछली बार के बराबर ही है। तो व्यापारी महोदय भी हैं, बातचीत करते हैं क्या मंडियों की पोजीशन है और कोल्डों में क्या किसान आलू बेचने आ रहा है या नहीं आ रहा। भैया अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है? देवी सिंह। अगर बात की जाए तो कोल्डों में किसान आ रहा है इस समय, क्या स्थिति है? कोल्डों में बिक्री भी कम आ रही है और मंडियों में उठान भी नहीं है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो किसान आना भी जरूरी है और आएगा तभी तो कुल मिला के आलू कोल्ड स्टोरेज से खाली को बेचना चाहिए। आलू की दिन पर दिन स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है। अगर बात की जाए बाहर की मंडियों में तो क्या पोजीशन लग रही है, कुछ मांग वगैरह है? नहीं बिल्कुल मांग नहीं, आमदनी मंडियों में कम पहुंच रही है, इसके बावजूद भी उठान नहीं है। तो क्या उम्मीद लग रही है, कब तक उठान बढ़ने को चांस है? लग समझ नहीं आ रहा कुछ, इंसान कुछ लग ही नहीं रहा, क्या अनुमान है, सब बड़ी फेल हो रही है। क्योंकि पिछली बार अगर बात की जाए तो दीपावली के टाइम मंडियों में खूब डिमांड थी, आलू जा रहा था, इस बार तो माहौल इस बार दीपावली में डिमांड नहीं है। एक गाड़ी 3 दिन के पहले क्लियर नहीं हो पा रही, 3 दिन के पहले क्लियर। अपने यहाँ क्षेत्र में अगर बात की जाए 37-97 और न्यू हॉलैंड वगैरह क्या पोजीशन में? न्यू हॉलैंड केवल 400-425 रुपए पैकेट का बिक रहा है, बढ़िया आलू है तो 450 का भी बिक जाएगा, बाकी हर आलू मतलब बिक रहा है। हर आलू का अगर कोई भाव मतलब जो जैसा आलू वैसा भाव, सफेद आलू हाइब्रिड 100 रुपए, सिंदूरी 200, 200, 150, जैसा आलू वैसा भाव, जैसा आलू वैसा ही भाव। तो कुल मिला के जैसा आलू वैसा ही भाव है। कई किसान भाई हैं, लोगों से भी चर्चा कर लेते हैं, इनके क्षेत्र में आलू की बुवाई क्या है और कच्ची फसल आलू कब तक आएगा? भैया अपना नाम बताइए, क्या कैलाश कटिया। तो अपना गाँव कौन सा पड़ता है? खजूरी कला। खजूरी कला इसी गाँव में। तो अपने क्षेत्र की अगर बात की जाए तो गड़ाई अभी हो चुकी पूरी या थोड़ी और रुकी है? हो चुकी है, लगभग हो चुकी। लगभग हो चुकी। तो कच्ची वाला कुछ आप लोग करते हैं? नहीं करते कच्ची वाला, वही 2-4% तो पक्की वाले की अगर बात की जाए अपने क्षेत्र में पिछली बार से रकबा बड़ा है या वही रकबा है? हम लोग करिया बेल्ट है तो रकबा वही है, कम नहीं ना? कम नहीं, टोटल वही है। टोटल वही। क्या अनुमान लग रहा है इस बार जो कोल्डों में आलू किसानों का रखा है, आपका भी कुछ रखा है या नहीं रखा? नहीं हम लोग तो व्यापार भी करते हैं, रखा है गाड़ी खड़ा रखा है। तो क्या उसका माहौल कुछ बनेगा? माहौल नहीं भैया, उसका तो समझ में नहीं आ रहा, हर साल तो बन जाता है, इस साल तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। पिछली बार हम लोग देख रहे थे दीपावली के टाइम मंडियों में खूब डिमांड थी, आलू जा रहा था, तो इस बार इतनी दीपावली ना तो किसान आ रहा
ना मंडी जा रहा, कटाई नहीं हो रही है। एक आध गाड़ी कटती है एक दूसरे तीसरे दिन, ये पूछे दूसरे तीसरे एक आध दिन एक आध गाड़ी कटती है। तो दद्दा है, दद्दा से भी बातचीत कर लेते। दद्दा आप किसान है या व्यापारी? किसान। अपना कौन सा क्षेत्र पड़ता है? यही है बिल्लौर क्षेत्र, ब्लॉक बिल्लौर। अच्छा बिल्लौर ये औरंगपुर भी है। तो अपने क्षेत्र में कच्ची आलू जाना होता है? पक्की वाला? कच्ची नहीं है, बिल्कुल 1% टोटल पक्की है। रकबा बताइए, रकबा अपने बड़ा है वही है? ऐसे 1-2% कम है। कम है, बड़ा नहीं रकबा? बड़ा नहीं, बड़ा नहीं, कुछ कम है। तो आपका भैया कौन सा क्षेत्र पड़ता है आप भी बता दिए थोड़ा? बिल्लौर ही। अच्छा बिल्लौर। अपने क्षेत्र में ये होता है रकबा वगैरह क्या पोजीशन होता है? पिछले साल जैसा है। तो कुल मिला के पिछले साल जैसा इस क्षेत्र में, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं, कई कोल्ड के किसान हैं अलग अलग क्षेत्र के, तो उनका कहना है कि रकबा पिछले साल जैसा ही है। जैसा कि कई लोग कह रहे थे कि इस क्षेत्र में आलू कम होगा ज्यादा होगा, लेकिन फिलहाल में इस क्षेत्र में लगभग बराबर है। तो भैया है, भैया से भी बातचीत कर लेते हैं, क्या पोजीशन है और क्या माहौल चल रहा है? भैया अपना नाम बताइए, क्या नाम? रूप सिंह। तो आप व्यापारी हैं या किसान है? किसान है। किसान है। तो आप आलू वगैरह कितना काटते हैं लगभग? अनुमान 20-25 बीघा। तो पिछली बार जितना ही गाड़ रहे हैं या थोड़ा कम है? उतना है। और गांव में अगर बात की जाए लगभग बराबर है, कम नहीं हमारे इधर। अच्छा आपके क्षेत्र में कम क्यों नहीं है, क्या कारण आया था? तो नहीं कटियारी बेल्ट है जाना, मतलब किसान आलू ही करता हूँ। आलू बस अन्न गोरू चल जाते, गेहूँ बेच देंगे। ये बात है। तो अपना कुछ कोल्ड में आलू वगैरह रखा क्या? हाँ रखा है। क्या उम्मीद लगा रहे हैं आपकी? उम्मीद का देखो, ये व्यापारी बैठे हैं, मर्जी है तो ले लिया, मर्जी है फेंको जी, ये बात मर्जी है। तो कुल मिला के मर्जी अगर आएगी तो फेंका जाएगा मैंने साहब से। लास्ट बातचीत कुछ और कर लेते हैं। तो मैंने साहब आपके समय है, जो किसान भाई आपको देख रहे हैं और आपके कोल्ड स्टोरेज में आलू रखा है, उनको क्या करना चाहिए? आलू बेचना चाहिए या थोड़ा रुक जाना चाहिए? आप बेचना चाहिए, जो रेट बिके बेच ले। अच्छा आपका अनुभव अगर बात की जाए, कितने वर्ष हो गए कोल्ड में मैनेजरी करते हुए? 25 साल हो गए। 25 साल में कभी आपने देखा इतना ज्यादा शुरुआत के समय पे बहुत शोर शराबा रहा हो और लास्ट के समय पे आलू इतने रफ्तार से धीरे धीरे निकलते हुए? इस महीने में निकासी भी इस बार बहुत ज्यादा हुई है। उतार चढ़ाव ऐसे है, लेकिन ये पोजीशन नहीं रही, इस साल ज्यादा पोजीशन खराब है, ज्यादा खराब है। आलू बिकता रहा लेकिन इस साल बिक ही नहीं रहा किसान। और हाँ, किसान बेच नहीं रहा। किसानों यार व्यापारी व्यापारी सोचे 100 रुपया पूरी ले, 200 रुपया बेचन जाए। एक मैं किसानों ने व्यापारी क्या करे, मंडी बिकते बिके भाई समझे करना चाहते हैं, इसलिए लेते नहीं है व्यापारी। व्यापारी लोग कह रहे हैं कि मंडी में डिमांड नहीं है। हाँ डिमांड नहीं है, और यहाँ से ले जाए बेच लावत। अच्छा तो कुल मिला के अब किसान है व्यापारी भी आई है, अगर बात की जाए तो हम लोग मंडियों में भी जाते हैं। कल का अगर बात करें तो कानपुर मंडी में लगभग में गुल्ला आगरा का गुल्ला और बीज का आलू से लगभग मंडी जो है जाम है। और अगर बात की जाए यूपी की सबसे बड़ी चालानी मंडी के मामले में कानेपुर को माना जाता है और कानेपुर का भाव लगभग सटीक रहता है। तो अगर बात की जाए भाव की, तो भाव कोल्डों में अगर 2-3 आलू हैं जैसे सोना है और न्यू आइलैंड आलू है, इनका तो भाव क्लियर है। बाकी अन्य आलू किस भाव में बेच जाए वो व्यापारी और किसान ही जान सकता है। बाकी अगर क्लियर तौर पर अगर बात की जाए तो आलू का कोई भाव नहीं है। और इस क्षेत्र में निकासी की अगर बात की जाए तो निकासी लगभग में औसतन 10-15% के बीच में आलू बचा हुआ है और लगभग 85-86% आलू की निकासी इस क्षेत्र में हो चुकी है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर करिए।